हेलो एवरीबॉडी, क्लास 11th इकोनॉमिक्स के अंदर आपका एक बार फिर से स्वागत है। चैप्टर नंबर 6 अपकिरण के माप चल रहा है और अपकिरण के माप के रूप में अपन ने 5 वीडियो देख ली है और इन पांचों वीडियो के अंदर अपन ने विस्तार, चतुर्थक विचलन और माध्य विचलन अच्छे से देख लिया है। और तीनों ही तरह की श्रेणियाँ अर्थात व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित और अखंडित, तीनों ही श्रेणियों के अंदर अपन ने विस्तार, चतुर्थक विचलन और माध्य विचलन का अध्ययन अपन ने कर लिया है। आज अपन अपनी 6th वीडियो देखेंगे और इसके अंदर अपन देखेंगे चतुर्थ इसका अपकिरण के माप का अंतिम जो दे रखा है मानक विचलन, जिसको प्रमाप विचलन भी कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। तो प्रमाप विचलन क्या है? देखो बच्चों, लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने देखा था माध्य विचलन। तो जब अपने मैंने आपको माध्य विचलन सिखाया था तो मैंने कहा था कि उसके अंदर अपन बीजगणितीय चिन्हों की उपेक्षा करते हैं। तो बीजगणितीय चिन्हों की उपेक्षा करना गणितीय दृष्टि से बिल्कुल गलत है। इस तरह से माध्य विचलन से जो हमको आंकड़े प्राप्त होते हैं वो अशुद्ध होते हैं, गणितीय रूप से अशुद्ध होते हैं। तो इसके समाधान के लिए जो कार्ल पियर्सन है, उन्होंने 1893 में मानक विचलन, जिसको कि अपन प्रमाप विचलन भी कहते हैं या स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं, इसका प्रतिपादन किया। तो यदि बात आती है स्टैंडर्ड डेविएशन, तो इसका प्रतिपादन किसने किया? कार्ल पियर्सन ने, वो भी कब? 1893 में। यह आदर्श व वैज्ञानिक अपकिरण माप है। माध्य विचलन के अंदर कई सारे दोष हैं, तो ये जो प्रमाप विचलन है वो आदर्श और वैज्ञानिक अपकिरण माप है। इसमें ऐसी क्रिया की जाती है कि प्लस माइनस चिन्हों को स्वतः ही प्लस में बदल दिया जाता है, अर्थात इसके अंदर माइनस को माइनस ही रहने दिया जाता है और प्लस को प्लस ही। लेकिन जब अपन गणना करते हैं तो अपन उनका वर्ग निकाल देते हैं, जो विचलन अपन को मिलते हैं उन विचलनों का वर्ग कर देते हैं, और वर्ग कर देने से जो माइनस साइन है वो भी प्लस साइन में बदल जाते हैं। और इसकी गणना केवल मीन अर्थात समांतर माध्य से ही की जाती है। माध्य विचलन की गणना अपन समांतर माध्य, मध्यिका और बहुलक तीनों में से किसी से भी कर सकते थे। लेकिन यदि बात प्रमाप विचलन की है तो प्रमाप विचलन की गणना केवल मीन अर्थात समांतर माध्य से की जाती है। प्रमाप विचलन को स्मॉल सिग्मा इस साइन से इसको शो करते हैं। और क्योंकि प्रमाप विचलन क्या है? एक निरपेक्ष माप है, तो इसका जो सापेक्ष माप होता है वो होता है कोफिशियंट ऑफ SD अर्थात कोफिशियंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन या मानक विचलन का, जिसको अपन कहते हैं गुणांक। तो मानक विचलन गुणांक क्या है? तुलनीय मान है, सापेक्ष माप है। हमको यदि तुलना करनी है तो अपन उसके लिए उसका गुणांक भी निकालेंगे। तो यदि अपन को SD अर्थात प्रमाप विचलन निकालना है तो अपन को क्या करता है, जो अपना विचलन आता है उसका वर्ग कर देते हैं और फिर वर्गों का योग कर दिया जाता है। और वर्गों का योग में अपन किसका भाग देते हैं? पदों की इसका n का भाग दे देते हैं और उसका फिर अपन अंडर रूट भी निकाल लेते हैं। तो अभी तक अपन ने ये देखा है कि प्रमाप विचलन, जिसका प्रतिपादन कार्ल पियर्सन ने 1893 में किया था, प्रमाप विचलन में प्लस माइनस चिन्हों को देखा जाता है, ध्यान में रखा जाता है, इसमें जो विचलन निकलता है उन विचलनों को वर्ग कर दिया जाता है, फिर इन वर्गों का योग किया जाता है, फिर इस योग में n का भाग दे दिया जाता है और जो आंसर प्राप्त होता है उसका अंडर रूट वर्गमूल निकाल दिया जाता है। इस प्रकार प्रमाप विचलन की गणना करते हैं। यह एक आदर्श और वैज्ञानिक अपकिरण माप है और माध्य विचलन से अधिक शुद्ध है। अब अपन को यदि देखा जाए तो क्योंकि अपन ने माध्य विचलन भी पढ़ लिया है और प्रमाप विचलन भी पढ़ लिया है तो अपन दोनों में अच्छे से तुलना कर सकते हैं। या एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है कि माध्य विचलन और प्रमाप विचलन के अंदर अंतर बताइए, समानताएं बताइए, तुलना कीजिए। तो अपन जानते हैं कि माध्य विचलन मीन मोड मीडियन किसी भी मेथड के द्वारा निकल सकता है, लेकिन जो प्रमाप विचलन है वो ओनली समांतर माध्य के द्वारा निकला जा सकता है। माध्य विचलन के अंदर प्लस माइनस साइन को इग्नोर किया जाता है, जबकि प्रमाप विचलन में प्लस माइनस चिन्ह को माइनस है तो उसको माइनस ही रहने दिया जाता है। इसमें केवल विचलनों का औसत निकाला जाता है, जबकि इसमें विचलनों के वर्गों के औसत का वर्गमूल निकाला जाता है। विचलन निकालने तक तो दोनों मेथड सेम है, यहाँ प्लस माइनस साइन को नहीं ध्यान में रखा जाता है, यहाँ माइनस को माइनस रखा जाता है, उसके बाद उसका वर्ग कर देते हैं, वर्ग करने से सभी माइनस साइन प्लस साइन में बदल जाते हैं, फिर उन वर्गों का योग कर दिया जाता है, उस योग में n का भाग दे करके उसका वर्गमूल निकाल लिया जाता है। माध्य विचलन
गणितीय दृष्टि से अशुद्ध है तो प्रमाप विचलन जो गणितीय दृष्टि से शुद्ध है। इस प्रकार अपन इन दोनों के अंदर तुलना भी कर सकते हैं। अब जबकि अपन ने प्रमाप विचलन क्या देख लिया है और प्रमाप विचलन निकालने का सूत्र भी देख लिया है, तो अब अपन तीनों ही तरह की श्रेणी व्यक्तिगत, खंडित और अखंडित तीनों ही श्रेणियों के अंदर प्रमाप विचलन निकालने का तरीका देखेंगे। तो मान लेते हैं कि अपन ने अपने पास एक व्यक्तिगत श्रेणी है, तो व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर अपन को प्रमाप विचलन निकालना है। जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले अपन इसको समांतर माध्य निकालने की आवश्यकता है, और समांतर माध्य चैप्टर नंबर 5 केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में अपन ने अच्छे से देख लिया है। तो समांतर माध्य निकालने की प्रत्यक्ष रीति भी है और लघु रीति भी है। लघु रीति के अंदर फिर अज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन, पर यहाँ पर अपन प्रत्यक्ष विधि का यूज करेंगे। तो व्यक्तिगत श्रेणी से यदि अपन को प्रमाप विचलन निकालना है तो उसके स्टेप्स मैंने यहाँ लिख दिए। सबसे पहले समांतर माध्य निकालेंगे, समांतर माध्य को अपन प्रत्यक्ष लघु रीति किसी से भी निकाल लेंगे, फिर उस समांतर माध्य को एक्स में से माइनस करके विचलन निकाल लेंगे, फिर विचलनों का वर्ग करेंगे, फिर उन वर्गों का योग कर देंगे, फिर योग को एन से भाग दे देंगे और जो आंसर आएगा उसका वर्गमूल निकाल देंगे, तो प्रमाप विचलन निकल जाएगा। अब जैसा कि यहाँ पर एक एग्जांपल है, यहाँ पर देखिए आंकड़े दे रखे हैं 8, 9, 10, 5, 10, 16, 2, 5, 10 और 15। इन आंकड़ों का या ये किसी छात्र के अलग अलग परीक्षाओं में प्राप्त अंक या प्राप्तांक दे रखे, तो यहाँ पर ये अंक दे रखे, इसको मैंने सीरियल नंबर क्रमांक डाल दिया है। अब अपन को विचलन निकालना है, प्रमाप विचलन निकालना है। सबसे पहले निकालेंगे समांतर माध्य। समांतर माध्य के लिए अपन को x का योग करना होगा, x का योग मैंने कर रखा है 90, उसमें अपन को पदों की संख्या का भाग देना है, तो 90 में 10 का डिवाइड करेंगे तो आंसर आ गया 9। अर्थात समांतर माध्य की वैल्यू कितनी आ गई है, समांतर माध्य की वैल्यू आ गई है 9। अब क्या करेंगे, अपना जो 9 है समांतर माध्य को x में से माइनस करेंगे तो विचलन आएगा। तो 8 में से 9 गए तो -1, 9 में से 9 गए तो 0, 10 में से 9 गए तो 1, 5 में से 9 गए तो -4। अब यहाँ पर माध्य विचलन से अलग क्या है, यहाँ पर अपना माइनस में आंसर आ रहा है तो अपन माइनस लिख रहे हैं, प्लस में आंसर आ रहा है तो प्लस प्लस लिख रहे हैं। इसी प्रकार 10 में से 9 गए तो 1, 16 में से 9 गए 7, 2 में से 9 गए तो -7, 5 में से 9 गए तो -4, 10 में से 9 गए तो 1 और 15 में से 9 गए तो 6। ये अपना आ गया डी। अब मैंने बताया था आपको प्रमाप विचलन में विचलन का वर्ग करते हैं, जिससे जो ऋण चिन्ह है वो धन चिन्ह में बदल जाए, अर्थात माइनस साइन है वो प्लस साइन में बदल जाए। -1 का वर्ग 1, 0 का वर्ग 0, 1 का वर्ग 1, 4 -4 का वर्ग 16, 1 का वर्ग 1, 7 का वर्ग 49, -7 का वर्ग भी 49, -4 का वर्ग 16, 1 का स्क्वायर 1 और 6 का स्क्वायर हो गया 36। अब इनको जोड़ दीजिए, किसको, डी स्क्वायर, क्योंकि अब सब प्लस में है तो जोड़ दीजिए। जोड़ने पर आ गया अपना 170। इस 170 के अंदर आप n का डिवाइड कर दीजिए, 170 में 10 का भाग दिया तो 17, 17 का वर्गमूल है रूट निकाला तो 4.12, तो SD की वैल्यू हो गई 4.12। अब गुणांक निकलना है तो प्रमाप विचलन में समांतर माध्य का भाग दे दीजिए, 4.12 में 9 का भाग दे दिया तो 0.46 अपना कोफिशियंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन या कह लो प्रमाप विचलन का गुणांक आ गया। तो इस प्रकार अपनी 6th वीडियो के अंदर अपने देख लिया कि प्रमाप विचलन क्या है और प्रमाप जो व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर अपन प्रमाप विचलन कैसे निकालेंगे, साथ में अपन ने माध्य विचलन और प्रमाप विचलन के अंदर तुलनात्मक अध्ययन भी कर लिया। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही काफ़ी है, आप अच्छे से पिछली 5 वीडियो को एक बार रिवाइज कर लीजिए ताकि आपको चीज़ें स्टेप बाय स्टेप क्लियर होती जाए। यदि आपका कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके उस डाउट को मुझे बता सकते हैं, तो मैं उसको आपको क्लियर कर दूंगी। तो व्यक्तिगत श्रेणी में प्रमाप विचलन हो गया। अब अपना इस चैप्टर के अंदर बचता है खंडित और अखंडित श्रेणी के अंदर प्रमाप विचलन। तो अगली वीडियो के अंदर अपन खंडित और अखंडित श्रेणी के अंदर प्रमाप विचलन देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।